हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम जो, वेलकम टू वेदांतो नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर पापा SSP। सो बच्चा लोग, मुझे पता है कि आप लोगों की दिवाली की वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम और आप इसी तरीके से कुछ प्यारे प्यारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। और मैंने आपसे वादा किया है बच्चा कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर हम काइनेमेटिक्स के एकदम बेसिक लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही मेरा वेकेशन 3-4 दिन के बाद ख़त्म होता है तो हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर, वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर, का भाई साहब तुम जवाब नहीं दोगे। अच्छा ठीक है, चलिए बताते हैं आपको बच्चा लोग। हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर दो तरीके की सीरीज़ फ़िलहाल आप लोगों के लिए चल रही है। एक है नीट का किक, जो कि स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि लाइव क्लास रहेगा। और दूसरा है बच्चा हमारा फ्री ईयर लॉन्ग कोर्स, जिसके अंदर हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं और बहुत डेप्थ वाली वीडियोस देते हैं, जो 2023 तक ख़त्म होगा और इसी तरीके से प्यारे प्यारे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से चलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात वादे के साथ बोलता हूँ बच्चा, आप देख रहे हो हमारी मेहनत, हमारी पूरी टीम की 1200 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म से। ऑल इंडिया रैंक 5 हमारे पास है, टॉप 10 में स्टूडेंट्स हैं, टॉप 100 में स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्यों वेट कर रहे हो? आप YouTube पे तो पढ़ो ही बच्चा हमारे साथ साथ, लेकिन आप अपने जर्नी को और ब्यूटीफुल करना चाहते हो, एडवांस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो। सो डोंट फॉरगेट कि आप लोग वेदांतु के एप्लीकेशन पे ज्वाइन होते हो, वेदांतु के एप्लीकेशन से पढ़ते हो बच्चा। सो आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाएगा, आपके डाउट हो जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ, सब कुछ, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। हम आपको बताते हैं कि आपको कितना पे करना होगा बच्चों। एक बहुत ही प्यारा सा डील आप लोगों के लिए है इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म है, जहां से इतने सारे बच्चे एनरोलमेंट लिए थे, सब्सक्रिप्शन लिए थे और आज वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। अगर उस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पे करना होगा फिलहाल सिर्फ 15 डेज का, अगले एक महीने के लिए 15 दिन का ही फीस आपको देना है और 15 डेज आपका ऑफ रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की प्रिपरेशन आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यूट्यूब आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन प्रोवाइड ऑन आर प्लेटफॉर्म, वेदांतु का एप्लीकेशन, वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आपको क्या करना है ये मत भूलना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया है, यूज कोड सुप्रो एंड ला जाओ यार लाइव क्लास के अंदर, अमेजिंग फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए हम अपना क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आपने ड्रॉप लिया है तो ड्रॉपर के लिए भी नीचे लिंक दिया है। आप 2022 ज्वाइन करना चाहते हो बैच, लिंक इज देयर इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट एवरी टाइम यूज दिस कोड ताकि हमें पता चल जाए कि आप अपने बाबा SSP के बड़े भाई के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हो। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप 2023 की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन होते हो या 2022 के लिए ज्वाइन होते हो, तो मंथ ऑफ जैन से जब मैं हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें, क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाले हैं। सो ज्वाइन दिस बैच राइट नाउ। चलो तो शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स का क्लास। बेसिकली आज हम बेसिक चर्चा करेंगे, काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आज लेक्चर 1 है बच्चा, एग्जांपल के साथ करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, आपकी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में हमें एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, वो ये है, रख जाइए। अरे भैया, हमारा बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड कहाँ गया? यस, ये रहा। सो बच्चा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि यार काइनेमेटिक्स होता क्या है, ये है क्या चीज़। तो देखो, काइनेमेटिक्स ना फिजिक्स की एक ब्रांच है बच्चा लोग। अब ऐसे फिजिक्स तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही है, अकेले देखने जाओगे तो इसके अंदर इतने सारे ब्रांचेस हैं कि बच्चा प्राण निकल जाते हैं लोगों के, कि इतने सारे ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, तो हर एक ब्रांच की ना अपनी खास बात होती है। वैसे ही काइनेमेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बड़े सारे अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब की आप चर्चा कर रहे हो। तो स्पीड आया कैसे, वेलोसिटी आई कैसे, इस पर अगर आप ध्यान ना दो, आप सिर्फ स्पीड पर ध्यान दो, आप सिर्फ वेलोसिटी पर ध्यान दो, आप सिर्फ एक्सीलरेशन पर ध्यान दो, तो वो काइनेमेटिक्स का ब्रांच हुआ। लेकिन अगर स्पीड आया कैसे, वेलोसिटी आई कैसे, एक्सीलरेशन आया कैसे, बेसिकली जब आप उनके कारणों की चिंता करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। हम क्या करते हैं, हम मोशन को स्टडी करते हैं। हम किसको स्टडी करते हैं बच्चा लोग, मोशन को स्टडी करते हैं। बट
ये मोशन हुआ कैसे उसके कॉज पर फोकस नहीं मारते हैं. सो काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच इन फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन बट विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड इट, विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट डीलिंग द कॉज. मतलब ये आया कैसे. एग्जाम्पल स्पीड हो गया है ना, एक्सीलरेशन हो गया है ना, वेलोसिटी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जब आप इनकी चर्चा कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, देखो कोई भी गाड़ी चल रही है यार, उस पर स्पीड तभी आएगा जब फोर्स लगेगा है ना, वेलोसिटी तभी आएगा जब फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन तभी आएगा तब जब क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा. अब जब आप फोर्स के बारे में सोचने लग जाते हो तो फिर वो एक अलग ब्रांच हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स. देखो बच्चा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की फील दूंगा. अगर दिल से मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो अगले 15 से 20 मिनट में ये आज का क्लास खत्म होगा और ऐसे 4-5 लेक्चर्स आपको मिलेगा, काइनेमेटिक्स समाप्त. तो डायनेमिक्स भी क्या है, एक तरह का ब्रांच है. और ये कैसा ब्रांच है, हम इसके अंदर भी इमोशन को स्टडी करते हैं. इमोशन नहीं पगले सर, इमोशन को स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं बच्चा, वी आर नॉट बूम बूम चिटी. ठीक है, तो मोशन को स्टडी करते हैं बट हम उसके साथ साथ इसके अंदर कॉज को डील करते हैं कि कैसे हुआ, क्या कारण से आया. बेसिकली जब आप फोर्स वाले चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर चले जाओगे बच्चा, NLM वगैरह पर डिस्कस करने लगोगे, तब वो ब्रांच हो जाएगा आपका डायनेमिक्स. ठीक है, सो काइनेमेटिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी को मोशन करते हैं. डायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी को मोशन करते हैं. लेकिन हम कारणों की चिंता करके अगर करें तो हमारा डायनेमिक्स है, बट विदाउट अगर हम डील करते हैं क्रॉस मारा है तो वो हमारे लिए क्या है, काइनेमेटिक्स है. अब बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर जो हमें सीखना है, डायनेमिक्स आएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर. अब जो हमें काइनेमेटिक्स में सीखना है सबसे पहले वो कुछ कुछ डेफिनेशंस है. जैसे देखिए सबसे पहले आता है पोजीशन. व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल है कहां पे. एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे साहब हैं एक शुक्ला जी, शुक्ला जी जो हैं बच्चा लोग वो ईस्ट डायरेक्शन में हैं 5 मीटर फ्रॉम टेम्पल. तो क्या लगता है आपको, ये उनकी पोजीशन है? हाँ, कितनी सिंपल सी बात है. अब अगर हम यहां पर एक टेम्पल बना दें, चलो भगवान जी का टेम्पल भी बन गया, और ये ईस्ट डायरेक्शन में है बच्चा, कितना डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये उनकी पोजीशन क्या हो गई. पोजीशन मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडीशन है पार्टिकल की, वो जहां पर है वो उसका पोजीशन होता है. अभी कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. आई बात समझ में, ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है. बात को समझो, रटो मत. पोजीशन है क्या, कोई पूछ ले तो. पोजीशन का मतलब होता है दिए गए टाइम में पार्टिकल है कहां पे. भाई रटो मत इसको, पार्टिकल जहां भी है वो उसका पोजीशन है, कुछ भी हो सकता है. मैंने यहां लिख दिया इस डायरेक्शन 5 मीटर फ्रॉम टेम्पल, तो यहां पर एक मंदिर सोचा, मंदिर से 5 मीटर के ईस्ट पे. अगर शुक्ला जी यहां होते तो मैं बोलता साउथ में, अगर शुक्ला जी यहां होते तो मैं क्या बोलता, वेस्ट में. शुक्ला जी यहां होते तो मैं क्या बोलता, नॉर्थ में. भाई साहब तो पोजीशन का मतलब यही होता है कि पार्टिकल पर्टिकुलर टाइम पे कहां है, कहां है. लेकिन बच्चों पोजीशन को जब भी डिफाइन किया जाता है तब हमेशा एक पर्टिकुलर जगह लिया जाता है. जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं, ढिचकियां करके मैं यहां आ जाऊं, तो मैं कहां गया आपके लिए, कहां गया. आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपके लिए मैं राइट साइड पे गया, लेकिन मैं अगर इस बोर्ड को देखूं या यहां पर एक पॉइंट को समझूं तो मैं इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में गया. तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाऊंगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम हमारे पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस. अभी धीरे धीरे रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, रेफरेंस फ्रेम, इसीलिए अभी समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस प्लेस. रेफरेंस पॉइंट वो जगह है जहां से हम हमारे पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं. पक्की बात, चमचम चमकीला, बढ़िया. नंबर 2 पर आता है बच्चा लोग डिस्टेंस, इसे पाथ लेंथ भी कहा जाता है.
क्या चीज होता है ये डिस्टेंस और पाथ लेंथ। पाथ लेंथ या डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल ये घर है और ये स्कूल है, घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन घर से निकल करके शुक्ला जी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए, सारे बच्चे खुश हो गए, ये शुक्लाइन से मिलने चले गए। शुक्लाइन से मिलते वक्त उन्होंने देखा कि वो यहाँ गए तो 3 किलोमीटर हो गया। फिर शुक्लाइन के साथ कुछ समय बिताने के बाद शुक्ला जी वापस स्कूल गए, टीचर की डांट खाए, टीचर वॉज ऑब्वियसली मी, हमें तो पता ही था शुक्ला जी का फेयर चल रहा है, शुक्ला जी को सब मिस कर रहे हैं, भाई साहब शुक्ला जी जल्दी आ जाए। ये है 4 किलोमीटर। बच्चे अगर शुक्ला जी अपने घर से निकल करके डायरेक्ट स्कूल चले जाते तो उनकी तय की गई पाथ का लेंथ 5 किलोमीटर होता, 5 किलोमीटर। लेकिन शुक्ला जी पहले शुक्लाइन से मिले 3 किलोमीटर, फिर शुक्लाइन से स्कूल पहुंचे, टीचर की डांट खाए यानी हमारी डांट खाए, 4 किलोमीटर। अगर शुक्ला जी इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं, अगर शुक्ला जी इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं तो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर मेरे लाल बाल गोपाल होता है 7 किलोमीटर। हम डिस्टेंस में हमेशा ये देखते हैं कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ गए ट्र तो 5 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे गए ट्र तो 7 किलोमीटर। जरा इसे देख करके बताइए बच्चे, मेरे लाल बाल गोपाल, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, एक पार्टिकल ऐसे चला, यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सर क्या मजाक कर रहे हो, 7 किलोमीटर। कोई बुराई वाली बात नहीं है, बात शब्द याद, पॉइंट याद रखो, व्हेनेवर वी हैव टू डील विथ डिस्टेंस देन वी विल ऑलवेज ऑब्जर्व द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड द वे द पार्टिकल इज मूविंग। पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया और टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। चलिए एक और देखिए, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है, ये 0 है, ये आपका 10, ये 20, ये आपका 30, ये आपका 40, ये आपका माइनस में 10। ठीक बच्चा, पार्टिकल यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करता है, फिर ऐसे जाता है, फिर तुरंत टर्न मान लेता है, फिर उसके बाद इधर आता है, बताइए डिस्टेंस कितना हुआ। ये ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हुआ था, इधर गया, फिर इधर आया, बोलो कितना। बहुत सिंपल, ये 10, 20, 30, 40, यहाँ तक 40 हुआ, फिर ऐसे जा रहा है 50, 60, 70, 80, 90, टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। सर यहाँ पर एक डाउट आया, डाउट आना चाहिए, पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, और प्लीज़ कमेंट करना भूलना मत बच्चा, अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितनी ही मेरी वीडियोस है वो आपको मिलती चली जाए। एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो मैं स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोज़ के तो कमेंट पढ़ता ही पढ़ता हूँ, SSP से रिप्लाई करूँगा, सो प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू पीपल टू रिप्लाई दैट। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 90 किलोमीटर। बट आपको डाउट आना चाहिए, सर ये माइनस था ना, तो सर यहाँ तक तो 80 था, 80 माने 10, 70 होना चाहिए। बच्चा याद रखो, क्या तुम कभी भी ऐसा किसी से सुने हो कि आई हैव कवर्ड -4 किलोमीटर, -5 किलोमीटर और -10 किलोमीटर? कभी भी नहीं। हम हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, भले ग्राफ पे नेगेटिव हो, बट डिस्टेंस इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बोलो चम 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 का फील, फील फील आया, वेरी गुड। ये डिस्टेंस की कहानी हो गई, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और देखिए, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की आज की क्लास की, डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा लोग, एक और चीज बताएंगे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल, या तो हम इसे कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ डन बाय द पार्टिकल। एग्जाम्पल लो, देखो ध्यान से, यहां पर एक पार्टिकल का पॉइंट है ए, यहां पर एक पार्टिकल का पॉइंट है बी,
पार्टिकल पहले ऐसे चला 3 किलोमीटर, फिर वो ऐसे आया 4 किलोमीटर। पार्टिकल चल ऐसे ही रहा है बच्चा, 3 किलोमीटर चल के पॉइंट सी पर पहुंचा, और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल के पॉइंट बी पर आया 4 किलोमीटर। करेक्ट, ठीक है, पहले 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि हम ये नहीं देखते कि पार्टिकल चल कैसे रहा है, बट हम हमेशा ये देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट्स इट। हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यही होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का लेंथ कितना है, डजंट मैटर पार्टिकल कैसे चल रहा है। तो डजंट मैटर पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, पार्टिकल मूवमेंट पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चा, यहाँ क्रॉस किया है, आप नोट्स भी बनाते जाना, बाकी 100 नोट्स मैं आपको देते जाऊँगा। बातें क्लियर हो गई? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल, यानी ये आंसर कितना आएगा? अगर ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से पता चल गया 3 × 9 = 4, 16 × 9 = 25, यानी कि बाहर चला गया तो कितना? 5 किलोमीटर। सिंपल। अब जरा सोचिए, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ये ग्राफ वाला एग्जाम्पल हमने लिया, ये आपका 0, ये आपका 10, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40, ठीक है, ये आपका -10। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया, फिर उसका डायरेक्ट टर्न ले लिया, नीचे कुछ गया नहीं, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से यहाँ पर गया, और फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया। मैं आपसे बोलूँ बच्चा यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोको और तुरंत आंसर दो। स्टॉप द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। स्टॉप द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। अस्टॉप द वीडियो, अस्टॉप किए कि नहीं? ठीक, चलिए। हाँ जी, डिस्टेंस कितना हुआ देखिए ध्यान से, 10, 20, फिर 30 इधर आया ना, फिर 40, फिर ऐसे गया ना, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ओह, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, फिर से काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में हम सीधा यही देखते हैं फाइनल और इनिशियल के बीच का लेंथ कितना है। तो फाइनल पॉइंट ये वाला है, इनिशियल पॉइंट ये वाला है, फाइनल हमारा -10 है, इनिशियल हमारा ये है, तो यह आपका -10 किलोमीटर, मीटर और व्हाटएवर इट इज, यूनिट जो भी रहेगा वो रह सकता है। यूनिट मैं बताना चाहता था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट या तो मीटर होता है या तो किलोमीटर होता है। अब एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है? आंसर है सर, पॉजिटिव ही होता है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? चलेगा नहीं, तो फिर जीरो हो सकता है, तो टिक मार्क्स कर सकता हूँ। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ओह, नेगेटिव आपके सामने ही है। अगर मान लो मैं यहाँ से यहीं पर रुक जाता, या यहां से यहां पर रुकता, तो 10 - 0 होता, या यहां से यहां रुकता तो 20 - 0 होता, तब क्या हर बारी मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता? आंसर है यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इवन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर हम यहां से शुरू करके यहीं पर आ जाते, ये हमारा फाइनल होता, तो फाइनल भी जीरो पर है, इनिशियल भी जीरो पर है, तो 0 - 0 का कोई आंसर ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। तो पार्टिकल जब चलता होता है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। इस वजह से अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज वो नेगेटिव नहीं होता। ये 1 मार्क्स का सवाल नीट वाले बच्चों के लिए बहुत खास है। कई बार ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नीट की शुरुआत तो 2013 के बाद हुई है, बट उससे पहले जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में इनकी बहुत खास बात थी, इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्लियर? एकदम बढ़िया से, शानदार तरीके से। चलो, तो ऐसे छोटे छोटे बाइट से मैं आपको समझाते रहूँगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजिशन और फिर रेफरेंस पॉइंट, ये एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया? ठीक है बच्चा,
अब आपको मैं बताता हूँ, कोई भी एक किताब अगर आपके पास 2023 वाले स्टूडेंट्स हो, अगर आप हमारे वेदांतों के मॉड्यूल्स के साथ जुड़ते हो बच्चा, वेदांतों का सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो, तब तो कोई भी किताब आपको नहीं लेनी, क्योंकि हमारा ही मॉड्यूल आपको पढ़ने को मिलेगा। टीचर जो पढ़ाएंगे वही आपको प्रैक्टिस शीट देंगे। बट जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हो उनके लिए तो बड़ा भाई ये बोलेगा ही। आप 2023 वाले बच्चे हो तो DC पांडे की MCQ बुक खरीदिए, काइनेमेटिक्स चैप्टर उठाइए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपसे बोलूँगा, राइट? बट इफ़ यू गो फॉर द वेदांतों का सब्सक्रिप्शन, और अभी बहुत मस्त टाइम है बच्चे, सिर्फ 1800 रुपये पे करना है, सुप्रो कोड लगाना है अगर आप ड्रॉपर बैच हो तो, अदरवाइज 1530 फॉर 2023 वाले बच्चों, ताकि तुम्हें पता चले कि किस तरीके से वे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर वन है, विल कंटिन्यू लेक्चर नंबर टू, और लेक्चर नंबर टू में हम आगे बढ़ेंगे और भी बातें करेंगे, पोजिशन वर्सेज टाइम की ग्राफ की बात करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, एक्सीलरेशन, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द क्लास, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।